Dear students, today in the class of discrete mathematics we will discuss about the question of three variables k map. Three variable k map कल आपने समझा था, देखिए ठीक है, एक बार इसे देख लीजिएगा. आज मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको कराने जा रहा हूँ, इससे आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा, यह क्वेश्चन है कि कंसीडर द फंक्शन एफ हुज ट्रुथ टेबल इज गिवन. Construct its K-map and hence find a Boolean expression for the फंक्शन एफ. ठीक है, इनका कहने का मतलब है एक टेबल, ट्रुथ टेबल दी गई है, उसका के मैप कंस्ट्रक्ट करना है, और जो एक्सप्रेशन है यानी क्वेश्चन, पहले हम एक्सप्रेशन से के मैप बनाते हैं, ये इन्होंने उल्टा दिया है, टेबल दी है और टेबल के थ्रू हमें एक्सप्रेशन बताना है कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस टेबल के रिगार्डिंग क्या एक्सप्रेशन हो सकता है. तो जो हमारी टेबल है वो देख लेते हैं पहले. एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और ये एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री. ये टेबल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, इसके आधार पर हम बनाएंगे क्या एक्सप्रेशन. ठीक है, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें तीन वेरिएबल का के मैप बनाना होगा. वेरिएबल कितने हैं, तीन, एक्स वन कॉमा एक्स टू एंड एक्स थ्री. तो जो हमारे वेरिएबल का हो, टू की पावर एन इक्वल टू टू की पावर थ्री इक्वल टू एट सेल्स हमारे इसमें बनेंगे या स्क्वायर्स बनेंगे. ठीक है, तो एट सेल्स और स्क्वायर का हमने यहाँ के मैप बनाया. ओके, देखिए क्लियर, टू और एक्स थ्री क्लियर, एम एस बी और एल एस बी, ये आप लिखना मत, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ एम एस बी और एल एस बी. अब हम ये देखेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग किस पोजीशन पर हमारा जो है रिजल्ट वन है, वहाँ वन लिख देंगे अदरवाइज जीरो. तो जब एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जब जीरो हैं तीनों, ठीक है, जीरो कहाँ होंगे, किस पोजीशन पर, ये देखिए यहाँ देखिए जीरो कहाँ है, पहली पोजीशन पर, वहाँ पोजीशन वहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी इसके अकॉर्डिंग, जहाँ जीरो है वहाँ वन हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, वन हो जाएगी. ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन कहाँ, देखो जीरो जीरो वन यानी कि फर्स्ट पोजीशन,
यानी कि यहाँ भी वैल्यू वन हो जाएगी। उसके बाद इस टेबल में देखेंगे कहाँ पर ये वन आया, ठीक है, इसमें हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये वन और ये वन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो जहाँ 100 ये पोजीशन होगी, ठीक है, 100 कौन सी पोजीशन होगी, वन जीरो जीरो ये पोजीशन, ओके, यहाँ वन आ गया। देन 110 कौन सी पोजीशन है, 1106 पोजीशन, यहाँ भी वन आ गया। अदरवाइज़ बाकी सारे कॉलम हमारे ज़ीरो फिल हो जाएंगे, यानी हम ज़ीरो फिल कर देंगे और इसके बाद इनको हम रेक्टेंगल में कवर कर लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल में कवर कर लेंगे। तो ये पोजीशन तो हमारी X3 कॉम्प्लीमेंट है, ये X3 है, ये पोजीशन क्या है, X1 कॉम्प्लीमेंट और X2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, देखिए क्या है, 01, यानी कि X1 कॉम्प्लीमेंट X2, और ये पोजीशन क्या है, 11, यानी कि X1 X2, और ये क्या है, 10, यानी कि X1 X2 कॉम्प्लीमेंट, ओके, क्लियर। अब इससे हमें ये पता चला है कि कुछ हमें थ्योरी लिखनी होगी, तो थ्योरी के बारे में अगर हम देखेंगे, लिख के मैं बता देता हूँ, ऐसा अगर बताऊँगा तो इसमें क्या है कि द प्लेसमेंट ऑफ वंस कैन बी ड्राइव्ड बाई लोकेटिंग द करस्पॉन्डिंग इनपुट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इनपुट के आधार पर जो बन है वो हमने लोकेट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। द स्क्वायर या सेल जिसे हम कहते हैं, कंटेनिंग वन वैल्यूज इन बल वैल्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है। अब तक हमने ये किया जहाँ इनपुट के आधार पर हमने वन प्लेस कर दिया और उसके बाद इन्हें ग्रुप कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इससे क्या हमें मिला, ठीक, इससे हमें कौन कौन सी पोजीशन मिली है वो हम अब लिखेंगे, क्या क्या मिला है देखेंगे। यहाँ से हमें मिला है X1 X2 कॉम्प्लीमेंट और X3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, X1 X2 X3 ये मिला है। तो दीज, पहला जो स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दीज सेल्स या स्क्वायर जो भी हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, रिप्रेजेंट्स X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले वाले में देखिए, इसमें X1 X2 X3 ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये MSB, ये LSB, कॉमा, इसी के आधार पर ये क्या है, X1 कॉम्प्लीमेंट X2 कॉम्प्लीमेंट X3 ये रिप्रेजेंट करेगा जो ग्रुप बना है। और एंड इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, X1 X2 और X3 कॉम्प्लीमेंट, X1 X2 और X3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसकी बात करें तो X1 X2 कॉम्प्लीमेंट X3 कॉम्प्लीमेंट, X1 X
टू कॉम्प्लीमेंट और एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट, ये हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इन फर्स्ट पेयर यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये है फर्स्ट पेयर, ठीक है, ये है सेकंड पेयर। तो इन फर्स्ट पेयर इसमें क्या है, देखो फर्स्ट पेयर में x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 x, ये दोनों सेम रहे हैं। चेंज क्या हुआ है, वन चेंज क्या हुआ है, x3 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ x3 हुआ है, ये चेंज हुआ है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि x3 जो है, x3 appears, appears in both complemented and uncomplemented, ठीक है, जो ये दोनों है तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये यहाँ से हट जाएगा। और फ्रॉम सेकेंड पेयर इसमें देखो x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, x3, यहाँ देखो क्या चेंज हुआ, x1 x1 रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, x2 यहाँ x2 कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ चेंजेस है, x3 कॉम्प्लीमेंट सेम है, यहाँ x2 चेंज हुआ है। तो भैया यहाँ x2 appears appears both complemented and uncomplemented form, ठीक है, दोनों फॉर्म में है। Thus the boolean expression for the given function f h क्या हो जाएगा, e x1 x2 x3 इक्वल टू, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा x3 और ये x2, तो यहाँ क्या आएगा x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से x2 हो गया है, यहाँ जाएगा x1 और x3 कॉम्प्लीमेंट, यही तो बचा, ये दोनों एलिमिनेट होने के बाद यहाँ से हमने निकाल दिया x3 को, तो x1 x2 ये बना क्योंकि वो चेंज हुआ है, दोनों है कॉम्प्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, इसमें x2 चेंज हुआ है तो वो निकाल दिया, तो ये बचा, तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।